खबर लखनऊ से है, जहां सुरक्षा एवं कानून की जबरदस्त व्यवस्था होने के बावजूद भी कहीं न कहीं लड़कियों और नाबालिग बच्चियों के बलात्कार की घटनाएं जब सामने आती हैं तो दिल दहल जाता है। ऐसी ही वारदात को फिर किसी निर्दयी ने अंजाम दिया। घटना गोंडा जिले के थाना तरबगंज के अंतर्गत ग्राम गोहानी की है, जहां पीड़िता और उसके परिजनों को क्षेत्रीय थाने से कोई उचित कार्रवाई न होने के कारण वह राजधानी की तरफ रुख करते हैं और महिला आयोग गोमती नगर लखनऊ में अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। अब देखते हैं कि आगे की कार्यवाही में क्या होता है। लखनऊ से निजामुद्दीन हाशमी की रिपोर्ट। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसी विषय को लेकर हमारे उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार है और योगी सरकार का भी कहना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत सारे दुष्कर्म भी हो रहे हैं जिस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसी विषय में हमारे जिला गोंडा के एक पीड़ित जो इस वक्त अपने लखनऊ में उपस्थित हैं, जहां उनको गोंडा जिले में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अब आई हैं लखनऊ में आई हैं जो राजधानी हमारे उत्तर प्रदेश की है। अब वो चाहते हैं कि हमारे जो पीड़ित है कि हमारी सुनवाई हो, तो उनको किस तरह की समस्या है आइए हम उन्हीं से मिलवाते हैं। हाँ माता जी बताइए। तेज बोलिए। लड़की हमारा सोती रही जी। लड़की सोती रही वहाँ पर, हम वहाँ से लौट के आए, लड़की का अपने बिस्तर पर नहीं पाया जी। हम रो रो के गांव भर में हैरती ढूंढ रहे थे, हम कहें कि हमारी बहन बेटी कहाँ गई। तो वो 6 बजे वहाँ से उनके घर के शुभम के घर से आई, लग पचाते हैं सबके सामने जी। कहा लगी अम्मा मुंह हाथ बंद के, हमारे पैर बंद के, हमारे अपने छत पे बलात्कार किया और हमें पीछे से उतार के हमको अकेले भेज दिया कि जल्दी जा, तुम्हारे माए ढूंढ रहती है। अल्लाह न मचाया जी। हाँ अल्लाह न मचाया। अच्छा, तो आपकी जो आपकी बेटी है वो कितने वर्ष की है? हमारी बेटी 12 साल की है। अच्छा अच्छा, 12 साल की है। अच्छा, जो बगल में खड़ी आपकी बेटी है? हाँ आपकी बेटी है। अच्छा, हमारी अच्छा, बेटी है। अच्छा अच्छा, बेटा आपके साथ क्या हुआ? हमार मुँह हम सोवत रहे, हमार मुँह और हाथ और गोड़ बांध के उठा ले गए अपने छत पर। छत हम उठाए गए तो हमारे गोड़ खोल दिन, गोड़ खोल के तब अपन उल्टा मुँह कह के हमें चढ़ाए से घसीट के तब छत पे लेके गए, तब हमारे साथे बलात्कार किन पीछे से नहीं उतार दिन। तो हम रोहतान अपने अम्मा से बताए, तब हम हमारे गेंद थाने पे आ, तब वहाँ कुछ सुनवाई नहीं होते, पैसा दे दी। अच्छा, तो जो तुमको उठा के ले गए उनके नाम जानती हो कौन थे? शुभम। अच्छा अच्छा, शुभम थे। और उनके साथ भी कोई था? अच्छा अच्छा, अकेला लड़का। ठीक। तो जिस लड़के का आप नाम ले रहे हैं शुभम, वो आपके गांव का है या आपके कहीं दूर का है? हमारे गांव का। वो कौन लगता है आपका? हमारा कुछ नहीं लगता। अच्छा अच्छा, तो उसको पहचानते हैं? हाँ। अच्छा, उसके पिताजी को जानते हैं आप? हाँ। उनके पिताजी का क्या नाम है? दिनेश। अच्छा, दिनेश नाम है। जब आप थाने पर पहुंची तो वहाँ थाने से क्या आश्वासन मिला? गाली देने लगी। कौन गाली देने लगा? अच्छा अच्छा, एसओ साहब गाली देने लगे। थाने पर गए तो एसओ साहब ने क्या कहा? कुछ ये कहे कि कौन सुनवाई नहीं, बस साहब हमें बैठाए रखे, 5 बजे छोड़ा कुल, हम गोंडा गए, गोंडा गए हम आउ तो है, वहाँ से लेके गए लड़की का मेडिकल करवाने का, वहाँ छेड़ छेड़ कर दिखाए के कागज लेके आई, वहाँ पर कहीं मेडिकल होगा, दवा होगा, फिर हमें लौटा दिया, फिर हमको धमकी दिया, फिर पैसा वहाँ पर भर दिया, हमको धमकी देते हैं। तो जब गोंडा में आपकी नहीं सुनवाई हुई तो आप राजधानी लखनऊ आए हैं, तो आप शासन और प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उनका सजा दिया जाए। अच्छा अच्छा, हाँ, उनका सजा दिया जाए। हमारा मुड़ी नीचे कह दिन, हमारा इज्जत लूट ली, हमारे बच्ची के उनका शासन दिया जाए। इनके जिंदगी के बर्बादी हो गए, इनके कोई पूछ नहीं सकता है। जो आरोपी हैं उनके घर वालों को या आरोपी को आप पहचानते हैं या नहीं पहचानते? हम पहचानते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत।